My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. नमस्कार दोस्तों, मैं सौरिंद्र, आप लोग देख रहे हैं साहू रेनिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आप लोगों को मेरे इस कमाल के फ्रेश वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं हाउ टू मेक अमेजिंग VFX वीडियो इन काइनमास्टर। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में इस वीडियो को दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पर दम के शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और दोस्तों ये जो वीडियो मैंने दो तरीके से एडिटिंग किया है, दोस्तों कौन सा एडिटिंग आप लोगों को अच्छा लगा तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और दोस्तों ये जो दो तरीका है मैं इस वीडियो के ऊपर दिखाने वाला हूँ कैसे मैंने किया, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको काइनमास्टर का लेटेस्ट वाला वर्जन को ओपन कर लेना होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले जो पहला वाला जो तरीका है एडिटिंग करने का वो वाला दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरा शूट किया हुआ जो वीडियो था उसे इंपोर्ट कर लूँगा, और यहाँ पर ये जो वीडियो है इस वीडियो का जिस टाइम पे ऊपर उठने का जो इफेक्ट लगेगा उस टाइम पे मैं जाऊँगा। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट कर देना है और यहाँ का एक कैप्चर सेव कर लेना है गैलरी पर, और ये करने के बाद आप इसका एक्स्ट्रा पार्ट काट कर सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट में काट करूँगा। तो पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ और वीडियो किस तरह से शूट करना है आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ऐसे आके एडिटिंग करना होगा, एडिटिंग करने के बाद आपको इस तरह से हाथ को ऊपर की तरफ ले जाना होगा ताकि ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा जो लगना चाहिए। तो ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन करना होगा पिक्सेल प्रो एप्लीकेशन। तो आप बैकग्राउंड इरेज करने के लिए और भी कई बैकग्राउंड इरेजर वाला एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर गेट ए पिक्चर पर क्लिक करके फोटोज़ के ऊपर क्लिक करके हम लोग उस कैप्चर को ले लेंगे। यहाँ पर कैप्चर को लेने के बाद इसका जो साइज है नॉर्मल कर दीजिए और एडजस्ट पे जाके आप सिलेक्शन के ऊपर जाइए, और यहाँ पर फिर इस थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके इन्वर्ट सिलेक्शन और इरेज का ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ये जो वाला बंदा है इसको यहाँ पर इस तरह से इसका ऊपर जो ग्रीन स्किन था इसे हटा देना है इस तरह से। Over the edge, feel like I'm floating through the air. तो दोस्तों यहाँ पर ग्रीन स्किन हटाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का लगेगा। आपको फिर से इस थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और इस मास्क के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस एरो के ऑप्शन पर क्लिक करके लास्ट पे जाना है और मेक ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना है, और इस PNG को आपको सेव कर लेना है गैलरी पर। तो गैलरी पर सेव करने के बाद हम लोग ओपन करेंगे फिर से उस प्रोजेक्ट को काइनमास्टर का। तो उसके बाद हम लोग इस पॉइंट के ऊपर आके यहाँ पर लेयर पे जाके मीडिया से उस कैप्चर को ले लेंगे जो पिक्सेल प्रो एप्लीकेशन से एक्सपोर्ट किया था। तो वो कैप्चर को लेने के बाद हम लोग इसको जो है फ्रेम के हिसाब से बड़ा कर देंगे, और बड़ा करने के बाद आप इसको लास्ट तक ऐसे बड़ा कर लीजिए। और फिर अभी हम लोग इस PNG के ऊपर जाके इसकी एनिमेशन के ऊपर जाएंगे, और फिर आप यहाँ पर ये जो राइट साइड वाला बंदा का जो हाथ है उसके हाथों के इशारों पे आपको उठाना है ऊपर की तरफ। तो जब हाथ ऊपर की तरफ उठ के थम जाता है तो वहाँ पर जाके आपको एक पॉइंट कर देना है। पॉइंट करने के बाद आपको इस PNG को स्लाइड करते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। तो ऊपर की तरफ ले जाने के बाद आपको यहाँ पर छोड़ देना है। और दोस्तों अभी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बता दूँ आप लोगों को ये है वीडियो एडिटिंग का पहला तरीका, तो दूसरा तरीका हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो के ऊपर बने रहिए। दोस्तों दूसरे तरीकों में वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको 16:9 रेशियो पे प्रोजेक्ट को ओपन करके आपका शूट किया हुआ वीडियो को इम्पोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर वीडियो को इम्पोर्ट करने के बाद हम लोग उस टाइम को खोज लेंगे जहाँ पर इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर इफेक्ट लगेगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट कर देंगे, और पॉइंट करने के बाद फास्ट में जाके लेयर पे जाके मीडिया से हम लोग एक वीडियो को लेंगे, ठीक है।
दोस्तों ये जो ग्रीन स्किन वीडियो है मैं विदाउट ग्रीन स्किन का मदद लेके बनाया, तो ये वीडियो मैं कैसे बनाया ये जानने के लिए आप इस चैनल के ऊपर बने रहे, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर आने वाले वीडियोस के ऊपर बताऊंगा कैसे आप विदाउट ग्रीन स्किन अपना वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये वाले वीडियो को इम्पोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर री इनकोड दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। अपने काइन मास्टर के प्रोजेक्ट के हिसाब से ये वीडियो तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो 60 fps के ऊपर था और ये जो काइन मास्टर का प्रोजेक्ट है ये 30 fps के ऊपर हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर वीडियो आ जाएगा। और इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर इस तरह से फुल स्क्रीन कर देंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद हम लोग इस पॉइंट के ऊपर आएंगे और आने के बाद इसका जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट था उसी का हम लोग काट कर देंगे, और काट करने के बाद यहाँ पर इस वीडियो को थोड़ा सा क्रॉपिंग करेंगे हम लोग। और क्रॉपिंग करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वीडियो कुछ इस तरह का लगेगा। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन स्किन वाला वीडियो था इसका क्रोमा की हम लोग यहाँ पर रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद आप इस वीडियो के ऊपर आ जाइए और की एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके हाथों के साथ आपको इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हाथ जब ऊपर की तरफ रहेगा उस टाइम पे आपको एक पॉइंट कर देना है और इसको सेम तरीके से आपको इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, तो ले जाके छोड़ देना है। तो यहाँ पर एक कैप्चा लेना होगा जब वीडियो पे कोई नहीं रहेगा, तो यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करके आपको इस कैप्चर एंड एड एस लेयर के ऊपर क्लिक करना है ताकि कैप्चर ऑटोमेटिक नीचे लग जाए। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट किया हुआ था इसके ऊपर ला के छोड़ देंगे इस कैप्चर को, इसको लास्ट तक बढ़ा देंगे और इसका जो स्प्लिट स्क्रीन है इसे हम लोग लेफ्ट साइड पे ऐसे फिक्स कर देंगे। ये करने के बाद हम लोग इस वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे इस थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके, और अभी आप देखिए मैजिक। तो मैं इस वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज का ये जो दोनों इफेक्ट है अच्छा लगा है, तो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।